रुपए के चक्कर में हम लोग को चार लोगों को जानलेवा हमला किया हुआ। 2500 रुपए किस्त थी। हाँ, उसके चक्कर, जबकि हम लोग किस्त दो दिन पहले दे दिए थे। कि आपके जो बेटे हैं छोटे बेटे जो उनके पास काम करते थे वो अलग से दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे कुछ तैयारी? नहीं, कुछ तैयारी नहीं कर रहा था। हम लोग जहाँ पोसाएंगे वहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, वहाँ कमाएंगे, हमको तो खरीदा नहीं है ना। वो ये जो कुर्सी पर जो मैटर है जिसमें धारदार हथियार से एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसमें मूल रूप से दो परिवार जो है एक दूसरे से। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों बाप बेटे को हिरासत में लेती है और आज उनका सीन रिक्रिएशन किया गया कि कहां कहां इन्होंने हथियार छुपाए थे, किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको दिखा दूं, जो आपको तस्वीर में पीले कलर की स्कूटी दिखाई दे रही होगी, इसी स्कूटी में तीनों बाप बेटे जो हैं वो आए थे और इसकी डिक्की में कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच में ITI ग्राउंड कुर्सी पार्क के सामने तलवारबाजी होती है। खबर मिलती है कि वहाँ पर तलवार से और धारदार हथियार से एक परिवार के तमाम सदस्यों के ऊपर हमला किया गया है। पूरा मामला क्या है जानने हम कुर्सीपार थाने पहुँचे। यहाँ पर परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनके मझले भाई मौजूद हैं जिन पर हमला किया गया था। पूरी डिटेल जानते हैं कि लड़ाई कैसे हुई, किस प्रकार से शुरुआत हुई और लड़ाई करने की वजह क्या थी। आपका नाम? सूर्या सिंह। कौन कौन है फैमिली में? मैं, मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी मम्मी। तो कल क्या हुआ था कि ये इतना बड़ा लड़ाई हो गया तलवार मारने के? रात को उलोंग मेरे भाई को फोन लगा है, धीरज सेन, लव सेन, कुश सेन, मेरे बड़े भाई को फोन लगा है, कहाँ है करके। तुम्हारा बड़े भाई से उनका क्या संबंध है, थोड़ा बताएं? उनका संबंध कुछ नहीं है, वो मेरे छोटे भाई को अपने पास काम में लेके गए, उनके दुकान से निकलवाए इसलिए। अच्छा, पूरी कहानी बताइए कि किसकी दुकान थी, कौन काम करता था? शेखर सेन की दुकान थी, शेखर सेन का दुकान था। किसका दुकान था? सैलून का। कहाँ पे? AIT के सामने। ITI के सामने जय भोले दुकान का, जय भोले करके है, जय भोले सैलून। हाँ, तो उसके बाद मेरा छोटा भाई कर रहा था 4-5 साल से काम। क्या नाम है आपके छोटे भाई का? पवन सेन। पवन सेन। हाँ, 4-5 साल हो गए काम। हाँ, 4-5 साल हो गए काम करते। और क्या, उस चक्कर में अब बहुत पुराना होते तो उसका रंग बदल गया कि अब इसको यहाँ से हटाना नहीं है, इसको एकदम बंधवा मजदूर बना के रखना है करके। तो ना बार बार उसको कर्जा देता था, कुछ और देता था, कुछ और दे देकर ना उसको फंसा देता था। अभी तुम हमारे कर्जे में हो, तुम काम करो, काम करो, जब कर्जा पूरा हो जाएगा तो चले जाना, फिर दूसरा कर्जा दे देते फिर दे देते हैं ताकि मेरा दुकान छोड़ के ना जाए, और मेरा दुकान छोड़े तो मैं उसको घर में घुस सकूं। और मेरे घर में वो लोग कई बार घुसे उस चक्कर में। मेरा भाई दुकान छोड़ता था, उसको बार बार डराते थे, धमकाते, तू मेरे दुकान नहीं आएगा तो तेरे कहीं करने। सैलरी वैलरी तनख्वाह सब बराबर देते थे? सैलरी देते थे लेकिन थोड़ा हेरा फेरी भी कर देते थे। अच्छा। हाँ, वो क्या पैसा काट लेते थे कभी कभी, तो लिखते भी नहीं थे, ऐसा था। मतलब काम डायरी में लिखा जाता है, हम लोग के हिसाब से डायरी में लिखा जाता है, और वो अपना लिखता है तो कभी कम लिख देता है, कभी और कुछ लिख देता है। उस हिसाब से ना उसका ना मतलब पूरा बदल गया था जरिया। उस हिसाब से क्या ना, मेरा छोटा भाई बोला कि अब मैं आपके पास काम नहीं करूँगा, तो बोलता है कि तू मेरे यहाँ काम नहीं करेगा तो तेरे को कहीं काम करने नहीं दूंगा, बोलता है। तो बोलता है कि अगर तू कहीं काम भी करेगा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को मारूंगा। और हमेशा जब भी बात करता था चाकू छुरी तलवार मारूंगा, हमेशा जब भी बोला है तब भी चाकू छुरी तलवार मारूंगा। और उसको एक बार तो मेरे सामने उसका पापा धीरज सिंह मेरे छोटे भाई का गर्दन पकड़ा था कि तेरे को ही मार दूंगा करके मेरे सामने। एक मोबाइल के लेन देन की बात आ रही है, वो कैसा लेन देन? मोबाइल की लेन देन की बात है, इसको नया मोबाइल दिलाया मेरे छोटे भाई को और वो ले लिए। ये मोबाइल थी, 28,000 की मोबाइल थी, ठीक है, ले लिए। और उसका किस्त फ़ोन है किसी और के नाम पर और पैसा मंग रहा है कोई और जिसका जिसके नाम पे किस्त उनको देंगे ना हम। हाँ। तो दुकान वाले क्यों मंगेगा, उनको हर महीने किस्त मिलेगा, उससे उसको मतलब है। तो तगादा आ गया कल रात को मेरे घर, फोन में बात करके, मैं आ रहा हूँ मेरे को बात करने करे पैसे। फोन किया था धीरज सेन? धीरज फोन किया था? नहीं, लव कुछ फोन किया था, उसका बेटा छोटा वाला। तो लोग तीनों बाप बेटा है, धीरज सेन आया, लव सेन आया। वो लोग बता रहे हैं कि आप लोग फोन करके बुलाए उनको? वो पहले फोन किया, पहले वो फोन किए, मेरा भाई फोन लगाया तो मेरा भाई बोला कि वो फोन किया था, क्या बोले? मेरा भाई नहीं उठाया शायद तक, तो रिटर्न लगाया मेरा भाई साहब। उसके बाद ना बोले कि कहाँ है करके, तो बोले कि मैं घर के पास हूँ। तो बोलता है मेरा पैसा कब देगा, बोलता है मेरे बड़े भाई को। तो बोलता है तो ठीक है ना, तो आना भाई बात कर लेते, पैसा वैसा कहा है तो बात कर लेते आज। तो लोग क्या है, पहले से प्लान करके रखे थे कि इनको मारना है करके। आपका भाई वहाँ काम छोड़ चुका था कि कर रहा था? छोड़ चुका था। उसी छोड़ा था? कब छोड़ा था? 10 दिन हो गया था छोड़े। 10 दिन हो गया छोड़े तो ना 10 दिन होगा तो छोड़े। उस 10 दिन में इतना प्लान कर लिया ना, अब मेरे पास काम नहीं कर रहा तो उसको जिंदा नहीं रखेंगे करके। पहले भी धमकी दे चुका है और उस धमकी को पूरा कर लिया मार के। कल मारने इस कल वो लोग आए और आते साथ मारना शुरू कर दिए कि बात हुआ? आए तो पहले तो बातचीत हुआ पैसे के बारे में, कब देगा क्या देगा। तो मेरा भाई बोला ठीक है, जितना डाउन पेमेंट दिया हूँ पैसा उसको दे दो, मैं आपको फ़ोन दे देता हूँ, फिर आपको फ़ोन का जो भी करना कर लेना, बेच देना जो भी करना, किस्त मैं नहीं पटाऊँगा, ये बोला। मतलब ठीक है। तो बोलता है नहीं, मेरे को अब भी पूरा पैसा, पूरा महीने का किस्त मेरे को अब भी चाहिए, रात को 12:30 बजे कौन ला के देगा उतना, बताइए आप। तो बोला कि ऐसा ऐसा करते करते बहस हो गया।
तो जो लव सेन है ना वो इशारा किया अपने छोटे भाई को कुछ सेन को कि डिक्की खोल सामान निकालना करके। तो डिक्की खोला, कौन सी गाड़ी में आए थे? ये स्कूटी खड़ी है, ओपीली वाली, ओपीली वाली स्कूटी। हाँ ओपीली वाली स्कूटी खड़ी है। तो वो इशारा किया, बोला कि सामान निकाल, सामान निकाल। तो उनके पापा भी सामान रखे थे, कटर और कुछ सेन भी कुछ धातु का हथियार रखा था, और लव सेन बड़ा तलवार निकाला था डिक्की से, और जैसे ही हाथापाई हुआ वो लोग चलाना अंधाधुंध चलाना चालू कर दिया, हम लोग उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। तो हमको किसको चोटें लगी? मेरे बड़े भाई को ज़्यादा चोट लगी, वो क्या सीरियस हो गया था बहुत रात को, उसको कैसे कैसे करके यहाँ तक लेके आए, यहाँ से फिर रिपोर्ट लिखा के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसको फिर नेहरू नगर के हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद मैं भी गया था, मेरे को भी पड़ा तलवार अंदर में घुसा है, हाथ पर लगा है, मेरे छोटे भाई को पड़ा है, पापा को पड़ा है पूरा तलवार। इस टाइप को इस 2500 रुपये के चक्कर में हम लोग को चार लोगों को जानलेवा हमला किया हुआ। 2500 रुपये किस्त थी मोबाइल? हाँ उसके चक्कर, जबकि हम लोग किस्त दो दिन पहले दे दिए थे, अब उसके पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये नहीं पता, उसके चक्कर में था। और उसका पैसा और बचा है 5000, वो भी बोलता है कि अभी अब काम करेगा आदमी तभी उसको पैसा देगा, उस हिसाब से वो बोलता है कि नहीं मेरे पास काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे को पैसा दे, मतलब दे, अब जब तक काम नहीं करेगा इंसान तब तक कहाँ देगा। अगर तुम उसके ऊपर जो काम करो उसके ऊपर तुम गलत नज़र से देखोगे तो कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। उस हिसाब से मेरा भाई छोड़ा ना, तो उसी का पुराना बदला भी निकाल लिया और उस समय का पूरा बदला निकाल लिया। आप उनकी माता जी हैं, आप कहाँ थी आंटी कल जब लड़ाई? वही थी, घर पे सोया था मैं, मेरा बच्चा आया 12 बजे दुकान से, तो वो लोग भी आ गया, तो मैं आवाज़ सुन के मैं नीचे गया, हाथापाई हुआ तो आवाज़ सुन के मैं नीचे गया, तो वो लोग हाथापाई चालू हो गया था, गंदा गंदा गाली दिया, और लवकुश और धीरज से सब गंदा गंदा गाली दिया। फिर मैं बोला गंदा गंदा गाली क्यों दे रहा है, तो बात आराम से निपटा लो ऐसा बोला हूँ। तो लोग माँ बहन के ऊपर पूरा गाली उपटान दिया और निकाला, सीधा चाकू निकाला गाड़ी से, और चाकू निकाल के पूरा तलवार से मेरे बच्चा मेरे आदमी को मेरे को भी मारने का पूरा एक एरिया मारा, और मेरे बच्चे कोई चोट नहीं आई ना? मेरे को लगने वाला था, मेरे बच्चे लोग हटा दिया, और मेरा छोटा वाला लड़का को ना डेढ़ महीने का पहले 2-3 बार हो गए धमकी देते कि मेरे दुकान में काम नहीं करोगे तेरे को गुंडा से मरवाऊंगी, तलवार से मरवाऊंगी, तेरे को भिलाई के अंदर किसी के पास काम नहीं करने दूंगी अगर मेरा दुकान छोड़ेगे तो। और मेरा दुकान उसका दुकान छोड़ा तो मेरा बच्चा लोग को हकीकत में मार के दे दिया, मरवा दिया और कत्ल कर दिया। ऐसी बातें सुनने को मिली थी कि आपके जो बेटे हैं छोटे बेटे जो उनके पास काम करते थे वो अलग से दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे कुछ तैयारी? नहीं कुछ तैयारी नहीं कर रहा था, हम लोग जहाँ पोसाएंगे वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, वहाँ कमाएंगे, हमको तो खरीदा नहीं है ना, तो परमानेंट नहीं हमारा, जहाँ पोसाएगा वहाँ काम करेंगे, जहाँ पेट भरेगा वहाँ काम करेंगे, गरीब आदमी जहाँ कमाएंगे वहाँ खाएंगे। तो उसका दुकान छोड़ा था, इसके वजह से ना दुश्मनी पैदा करके वो मोबाइल के बहाना करके मेरा बेटा आदमी लोग को चाकू मारा घर से में आके। काम को लेकर सारा विवाद हुआ कि अगर मेरे पास काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कहीं काम करने नहीं दूंगा, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इस बात को लेकर बाप बेटे समेत 3 लोग आते हैं और धारदार हथियार से लगातार वार करने लगते हैं, वार करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों बाप बेटे को हिरासत में लेती है और आज उनका सीन रिक्रिएशन किया गया कि कहां कहां इन्होंने हथियार छुपाए थे, किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको दिखा दूं, जो आपको तस्वीर में पीले कलर की स्कूटी दिखाई दे रही होगी, इसी स्कूटी में तीनों बाप बेटे जो हैं वो आए थे और इसकी डिक्की में तमाम हथियार, जो एक बड़ा सा चाकू, छोटा चाकू और कैची दिखाई दे रहा है तस्वीर में आपको, वो तीनों हथियार को इस डिक्की में लेकर आए थे। वाद विवाद बढ़ते ही डिक्की को खोला गया और खोलने के बाद लगातार हमला किया गया, ताबड़तोड़ हमला किया गया। फिलहाल अभी जो पेशेंट है, जो मरीज़ हैं, उनकी हालत अभी थोड़ी ठीक ठाक है, रात को काफ़ी गंभीर हाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट जो है वो सबसे बड़े वाले बेटे को, सबसे बड़े वाले भाई को आई है, बाकी परिवार में सभी लोग अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात रहेगी, फिलहाल के लिए ये है कि लगातार ऑनलाइन ऑर्डर करके कटर मंगाने वाले, तलवार चाकू मंगाने वाले लोगों के ऊपर भी पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। जो जो ऑनलाइन के माध्यम से मंगाता है उसका एड्रेस, नाम, तमाम चीज़ें पुलिस इकट्ठा कर रही है ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। तलवारबाजी कटर की घटनाएँ सामने आ रही है, उस जिस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाए लेकिन इसमें लगाम नहीं लग रहा है। कल भी एक घटना हुई है, बड़ी घटना, इसमें तलवार में 4 लोग घायल हुए। देखिए, जहाँ तक घटना का प्रश्न है, ये दोनों घटनाएं जो हुई है वो पहले से ही पूर्व परिचित लोगों के मध्य में हुई है और दोनों घटना में भी जो मूल वजह थी वो पैसे का लेन देन का ही संबंध था, उसी के चलते ही ये घटनाएं कारित हुई है। चूँकि ये जो कुर्सी पार का जो मैटर है जिसमें धारदार हथियार से एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसमें मूल रूप से दो परिवार जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए हैं और उसके कारण ही इस प्रकार की घटना हुई है। कितने लोगों को हिरासत में? इसमें कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक पिता हैं और उनके साथ जो 2 पुत्र जिन्होंने घटना कारित की है
उनको हिरासत में लिया गया है। और आहत पक्ष में 4 लोग हैं, जिसमें से बड़े पुत्र को ज़्यादा चोटें आई है, उसके चेहरे में भी चोटें आई है, सतीश सेन करके, बाकी 2 सूर्या और पवन सेन हैं, और उसके साथ उसके पिता भुवनेश्वर सेन हैं जो अभी इलाजरत हैं। ऑनलाइन कटर या चाकू मंगाए जाते हैं अधिकतर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हर बार कार्रवाई होती थी पर अभी ये ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ों में अभी हम लोगों ने भी एक अभियान चलाया है, और इसके लिए हम जितने भी पोर्टल हैं और साइट्स हैं और जिनके उनके डिपो हैं, उस संबंध में हमें निर्देश भी मिला है कि इनकी डिपो की चेक करनी है, और जहाँ जहाँ इनका डेस्टिनेशन है, ऑर्डर डेस्टिनेशन है, डिलीवरी डेस्टिनेशन, उन सबको चेक करने के उपरांत इन सब चीज़ों में जैसे ही कोई विशेष हमको इंट मिलता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पैसों के लेन देन की बात आ रही है, कुछ रकम का खुलासा हुआ, कितनी की लेन देन थी? नहीं, बेसिकली इन लोगों के बीच जो पैसों की लेन देन थी वो मोबाइल के EMI के संबंध में लेन देन की बात थी। क्योंकि क्या है, जो आहत पक्ष का एक लड़का है पवन सेन, वो आरोपी पक्ष के यहाँ जो नाई की दुकान है उसमें काम करता था, और वो उनको EMI में मोबाइल अवेलेबल कराया था, उपलब्ध कराया था। और ये जो लड़का है आहत पक्ष का पवन सेन, वो देर सवेर कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअल व्यापार करने का मंशा रखता था, इसलिए इनके बीच में, दोनों के बीच में जो थी वो अनबन की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी, उसकी परिणति के रूप में वो कल की जो घटना थी वो आ गई।